अब गाइस हमें पता ही नहीं है कि हमें न्यूट्रल पोजीशन खड़ी करनी है कि हैंड ब्रेक लगा के खड़ी करनी है। तो गाइस सही तरीका जो होता है, आप गाड़ी का गियर में डाल दें और हैंड ब्रेक लगा दें। तो इस तरीके से आप अपनी गाड़ी को खड़ी कर सकते हैं, जिससे कि आपकी गाड़ी आगे पीछे भी कोई टच करेगा या धक्का देगा या कोई गाड़ी को आपको आगे पीछे करेगा या चोरी करेगा तो आपकी गाड़ी इस तरीके से नहीं जा सकती है। हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं पीके ड्राइवर आप सभी लोगों को और एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज मैं एक नए टॉपिक पे ये वीडियो बनाने जा रहा हूं, जैसे कि हम अपनी गाड़ी को कैसे खड़ी करें, क्या हमें अपनी गाड़ी हैंड ब्रेक लगा के खड़ी करनी चाहिए, क्या हमें गाड़ी अपनी गियर में डाल के खड़ी करनी चाहिए, क्या हमें गाड़ी को न्यूट्रल पोजीशन पे खड़ी करनी चाहिए। तो आज इसी टॉपिक पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जो कि आपको कैसे गाड़ी खड़ी करनी है। तो गाइस आप लोग वीडियो पर प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे कि गाइस यहाँ पे आप देख रहे हो, ये मेरी गाड़ी खड़ी हुई है। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा अपनी गाड़ी में जज करके कि क्या क्या जो प्रोसेस होते हैं उनको कंप्लीट करना। तो गाइस देखिए, जैसे कि हम अपनी गाड़ी को खड़ी करते हैं न्यूट्रल पोजीशन पे, तो इससे क्या नुकसान होता है। जैसे कि गाइस हम मान लीजिए कि आप गाड़ी न्यूट्रल पोजीशन पे खड़ी की हो और किसी कारणवश किसी ने पीछे से थोड़ा सा प्रेस कर दिया या किसी कारणवश या गाड़ी को थोड़ा सा धक्का दे दिया, तो उस सिचुएशन में आपकी गाड़ी का जो गियर है वो नहीं लगा है और हैंड ब्रेक नहीं लगा, तो आपकी गाड़ी न्यूट्रल खड़ी है एकदम टायरों पे, जो कि आगे पीछे हो सकती है, तो किसी कारण और कोई दुर्घटना हो सकती है। तो आपको इस तरीके से गाड़ी नहीं खड़ी करनी है। जब भी आप गाड़ी को खड़ी करेंगे तो गाइस फर्स्ट गियर में या सेकेंड गियर में या थर्ड गियर, कुल मिला के गाइस आपको न्यूट्रल पोजिशन पे गाड़ी नहीं खड़ी करनी। आपको जब भी खड़ी करनी है तो आप गियर में गाड़ी खड़ी करोगे। इससे गाइस क्या होता है कि जब गियर में गाड़ी आपकी खड़ी होगी तो पीछे से कोई टच भी करेगा, कोई धक्का देगा या किसी कारणवश कोई भी गाड़ी को टच करेगा तो आपकी गाड़ी आगे पीछे नहीं होगी। तो ये सही तरीका होता है गाड़ी खड़ी करने का। दूसरा तरीका गाइस क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपका गियर में गाड़ी नहीं है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जैसे कि गाइस ये हैंड ब्रेक होता है, इसको हम क्या करेंगे कि इसको हम ऊपर करेंगे तो ये हैंड ब्रेक हमारा लग गया है। तो इससे क्या होता है गाइस कि आपकी गाड़ी की जब भी कोई पीछे से धक्का देगा या कहीं से गाड़ी आपकी आगे पीछे कोई करेगा तो ये गाड़ी आपकी आगे पीछे नहीं होगा, क्योंकि गाइस ये आपका है जो हैंड ब्रेक होता है, ये ब्रेक पूरा काम कर रहा है, पीछे वाले टायर जो होते हैं उनको ये पकड़ रखे है, तो ये गाड़ी को फ्री नहीं करेगा, ये आपकी गाड़ी हैंड ब्रेक लगा के खड़ी है। तो इस तरीके से भी आप अपनी गाड़ी को खड़ी कर सकते हो। और तीसरा बहुत आवश्यक जो होता है तरीका गाइस, मैं आपको रिप्लाई करूंगा और आपको इस तरीके से जरूर ही खड़ी करनी है, उससे आपको कहीं से नुकसान नहीं होगा, आपका जो है गाड़ी बहुत ही सही तरीके से आप खड़ी करोगे। पहली चीज गाइस, आप तीसरा तरीका है गाइस, मगर मैं इस तरीके को देखिए कैसे समझा रहा हूं। पहली चीज गाइस, आप किसी गियर में गाड़ी डाल दोगे, ये आपकी गाड़ी पड़ी हुई है, इससे क्या होगा कि आपका जो है इंजन को फ्री नहीं है, ये इंजन में जो गियर बॉक्स है इसको वो राउंड नहीं करने देगा, इसलिए कि वो जब आगे न्यूट्रल होगी तो गाड़ी के जो इंजन के और गियर बॉक्स के पार्ट्स होते हैं वो चलेंगे। इससे जैसे कि गाइस आपकी गाड़ी गियर में है तो आपके इंजन और गियर बॉक्स का कोई पार्ट्स चलेगा नहीं, तो ये भी तरीका होता है। और उसके बाद आप हैंड ब्रेक भी लगा दोगे। तरीका गाइस तीसरा, बट ये कारण ये है कि आप जब भी गाड़ी खड़ी करेंगे तो गियर में डाल के खड़ी करेंगे और हैंड ब्रेक भी लगा के खड़ी करेंगे। इससे क्या होता है गाइस कि आपकी गाड़ी बहुत सही तरीके से, जो कि तरीका सही होता है गाड़ी खड़ी करने का, इससे गाइस क्या होता है कि आपके इंजन और गियर बॉक्स में भी मान लीजिए कि उसका यूज हो रहा है, आपकी गाड़ी आगे पीछे नहीं होगी। और दूसरी चीज, हैंड ब्रेक भी लगा हुआ है, इससे गाड़ी आपकी आगे पीछे नहीं होगी। तो ये सही तरीके जो है, इस तरीके से आप अपनी गाड़ी को खड़ी करें तो आपकी गाड़ी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप कहीं भी पहाड़ी एरिया में खड़ी करें, कहीं भी हिल पे खड़ी करते हैं, कहीं स्लोप पे खड़ी करते हैं या किसी कारण कहीं पे गाड़ी खड़ी करते हैं, तो आप इन तरीकों को आप फॉलो करेंगे और आप अपनी गाड़ी को सही तरीके से खड़ी कर सकते हो, इससे आपका कहीं पर से नुकसान नहीं होगा। तो गाइस आई होप आप सभी लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो गाइस आप लोग वीडियो पर प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो
पूरी जरूर देखा करें गाइस, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा जानकारी मिले। तो गाइस अब आप मुझे इजाजत दीजिए, किसी नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ। किसी प्रकार से कोई सुझाव या जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तब अब मुझे गाइस इजाजत दीजिए, तब तक लिए ओके बाय, जय हिंद।